उत्तराखंड श्रम विभाग ने बड़ा फैसला करते हुए कंपनी पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि साल 2018 में कंपनी ने अचानक 303 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिसके बाद से निकाले गए कर्मचारी कंपनी के खिलाफ केस लड़ रहे थे। इसके 4 साल बाद श्रम विभाग का फैसला कर्मचारियों के हक में आ गया है। श्रम विभाग ने कंपनी को 7 करोड़ रुपए का नोटिस भेजकर कर्मचारियों का शेष भुगतान करने के आदेश दिए हैं। अगर कंपनी भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन श्रमिक यूनियनों द्वारा अपना क्लेम जो दिया जाता है वो कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिसके संबंध में यहाँ से भी लेटर फिर एम्प्लॉयर के लिए चला गया है। जो फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में सूचना भेजी जाती है उस पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो अभी 23-24 तारीख तक का टाइम उसमें दिया गया है, ताकि उन सूचनाओं पर वो अपना जवाब दे दे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई उस पर भी कर दी जाएगी।